चुनाव की जो लगातार सरगर्मियां लेकिन इस समय निकाय चुनाव के लिए कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, वो बढ़ गया। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? देखिए, पहले तो सरकार ने बहुत ढिलाई दी है, तो उसकी वजह से चुनाव समय पे नहीं हो रहा है। अब तो कोर्ट जब भी निर्णय देगा, अब कोर्ट का इंतजार है। अब कोर्ट शीघ्र निर्णय दे और फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हों। तो सरकार जिस तरह से निकाय चुनाव को होल्ड करा रही थी, तो क्या लग रहा था कि सरकार को ये डर था कि कहीं हार न जाए पूरे प्रदेश में? देखिए, सरकार ने कोई अच्छे काम तो किए नहीं प्रदेश की जनता के लिए, और कोई वादे भी पूरे नहीं किए हैं, और पूरी तरह से प्रदेश की जनता दुखी है सरकार के कारनामों की वजह से। बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं पर भी देखिए किसानों की MSP के बराबर उसकी फसल की कीमत भी नहीं दे रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं। उधर बिजली के बारे में भी बहुत परेशानियां आ रही हैं, इतनी महंगी बिजली, और बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं, और छापे अलग पड़ रहे हैं, जुर्माना अलग हो रहे हैं। तो ये सब परेशानी परेशानियां हैं। तो जब परेशानियां इतनी दी हैं जनता के सामने, तो फिर चुनाव के परिणाम भी अच्छे नहीं आने हैं। एक ट्विटर पे जो अभद्र टिप्पणी की है मंत्री सांसद की, उनकी बेटी ने, किस तरह देखता है? देखिए, इसके बारे में तो अभी हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसी पार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष जगन को भी भाजपा के सारे की पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया वार शुरू कर दिया है, इसे भाजपा सांसद डिंपल यादव के लिए और व्यक्तिगत जो चर्चाएं रही, तो इसमें कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की कोई मंशा रही है इसमें? देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। और देखिए, जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और जित 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे, और 99 जैसी पार हो गए तो बस फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर के मुकदमा दर्ज हो गया, महिला जो नेता है अभी गिरफ्तारी को लेकर के कार्रवाई सरकार होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।